नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद लगातार चर्चाओं में बना हुआ है और इसको लेकर लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं। वहीं आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस मामले में जांच फिलहाल चल रही है। और इसी बीच खबर ये सामने आई है कि आलोक मौर्य के परिवार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि ये राहत आलोक मौर्य के परिवार को ज्योति मौर्य केस में नहीं बल्कि ज्योति मौर्य की जेठानी सुभ्रा मौर्य के केस में मिली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ज्योति मौर्य के मामले में फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन इस बीच आलोक मौर्य के परिवार को राहत मिलने की खबर सामने आई है। दरअसल पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने आलोक मौर्य के परिवार के ऊपर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था और केस भी दर्ज कर दिया था। वहीं शुभ्रा ने अपने पति विनोद मौर्य समेत ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसमें आलोक मौर्य का भी नाम शामिल था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आलोक सिंह के परिवार को राहत देते हुए उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस केस को मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया है। दरअसल आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार लोग इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते रहते हैं। बता दें कि आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ज्योति को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत की, पैसों का इंतजाम किया, मगर ज्योति जब अधिकारी बन गई तो उनसे संपर्क तोड़ दी और उसका अफेयर अन्य अधिकारी से हो गया। ऐसे के साथ आलोक ने ज्योति के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आलोक ने ज्योति के खिलाफ भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए थे। दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने भी आलोक पर दहेज का केस दर्ज करवा दिया था। फिलहाल दोनों का तलाक केस चल रहा है और ज्योति मौर्य के ऊपर गृह विभाग जांच कर रहा है। वहीं इस केस के बीच ही ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और घरेलू हिंसा का आरोप लगा दिया था। शुभ्रा मौर्य की शादी विनोद कुमार मौर्य से 19 नवंबर 2009 को हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। शुभ्रा 2015 से शिक्षिका है। बता दें कि शुभ्रा ने अपनी जेठानी के पति विनोद मौर्य, ससुर, सास, जेठ अशोक मौर्य, जेठानी और देवर आलोक मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद इस केस को ससुराल वालों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं अब न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है और इस मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है। तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य अपने अलग अलग मामलों को लेकर चर्चा में पड़े हुए हैं और इसी बीच आलोक मौर्य के परिवार को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। ज्योति की जेठानी ने जो ससुराल वालों पर केस दर्ज कराया था, जिसके बाद ससुराल वालों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और अब इस मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।